पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हाटा कोतवाली पुलिस टीम द्वारा हाटा कस्बा नाली के पास से विभिन्न ब्रांड के नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली शैम्पू एवं नकली शैम्पू बनाने का उपकरण आदि को बरामद कर कॉपीराइट एक्ट एवं अन्य धाराओं के साथ मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस टीम के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि हमारे द्वारा नकली शैम्पू बनाकर विभिन्न ब्रांड के सैंपल बोतल रखकर दुकानदारों को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने की बात कहकर पैसा लेने के बाद उन्हें नकली शैम्पू भेज दिया जाता था। इस तरह हमारा धंधा फल फूल रहा था। क्या खुलासा हुआ, पुलिस ने क्या खुलासा किया सर? जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना कोतवाली हाटा और सर्विलांस सेल की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके क्रम में 3 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 2500 से अधिक नकली शैम्पू की बोतलें मिली हैं और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये से अधिक है। ये दुकानदारों को पहले एक ओरिजिनल शैम्पू का सैंपल दिया करते थे और जब इनकी माल की बुकिंग हो जाया करती थी तब ये इनको डिलीवरी में नकली शैम्पू की बोतलें सप्लाई किया करते थे और इनके पास से शैम्पू बनाने का जो सामान है, जो ड्रम है और जो मशीनें हैं वो भी बरामद की गई। इसमें सभी बच्चों की जो भी इनके बैकवर्ड और इनवर्ड लिंकेज हैं उसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही सर। ऐसे और भी लोग धंधा करते होंगे, इनके खिलाफ कैसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस संदर्भ में जो भी पुलिस को प्राय शिकायतें मिल रही हैं और पुलिस की जो अपनी गुप्तचर जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जो भी सूचना मिल रही है, जो भी इस तरह के अवैध गतिविधियों में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में इस अवैध शैम्पू फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो रहा है। जी निश्चित रूप से, इन्होंने गोरखपुर और देवरिया के भी कुछ दुकानदारों से संपर्क किया था और उनको माल बेचा भी है, उनसे भी बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। सर, सोशल मीडिया पे इस तरह के तमाम प्रोडक्ट लगाने के बाद नकली प्रोडक्ट देकर फ्रॉड किया जाता है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? इस संदर्भ में पुलिस को जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो साइबर सेल के माध्यम से संपर्क करके उसकी जांच पड़ताल की जाती है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर।